तो अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं कनाडा में आने की, सो यहाँ पे एक नाम बहुत ही फेमस है, टिम हॉर्टन्स। सो यहाँ पे सबसे जो मैं कहूँगा फेमस जो QSR है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, उसमें टिम हॉर्टन्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हर एक दो किलोमीटर में आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब इंडिया से आएंगे तभी नहीं पता होगा आपको कि क्या मेन्यू में क्या चीज़ें मिलती है। और यहाँ पे आप देखोगे किसी को ऑर्डर करते हुए तो बोलेंगे मीडियम, डबल डबल, लार्ज, ट्रिपल ट्रिपल, रेगुलर, फिर रैप्स, डिफरेंट टाइप के सैंडविचेस और क्रोसॉन, मफिन्स। सो ये सारी चीज़ें जाहिर सी बात है नहीं पता होगी। फिर फ्रेंच वनीला शायद तक बहुत लोगों को पता होती है इंडियन, क्योंकि वो ही एक स्वीट आइटम होती है। सो इस वीडियो का पर्पस यही है कि आपको सारी मेन्यू की जो आइटम है यहाँ की फेमस, उससे आपको थोड़ा बहुत रूबरू कराऊंगा, ताकि आपको पता चलता रहे यहाँ आओगे तब आप स्टूडेंट की क्या चीज़ें आपको ऑर्डर करनी है और कौन सी अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिल रही है। सो सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, डबल डबल क्या है, लार्ज, ट्रिपल ट्रिपल क्या है, रेगुलर क्या है, और उसके साथ में मेरी अभी शिफ्टी है तो सारी चीज़ें आपको लाइव भी दिखा दूंगा कि क्रोसॉन्स, बेगल्स, कुकीज़, मफिन, टिम्बिट्स, ए टू जेड चीज़ें। सो वीडियो को बने रहिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर रेगुलर कॉफ़ी की बात करें तो यहाँ पे कॉफ़ी की जो साइजेस है वो चार होती है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको सबसे पहले साइज़ बतानी है, सेकंड थिंग आपको उसके अंदर कितनी शुगर चाहिए वो बतानी है। अगर आप बोलोगे वन शुगर एंड वन क्रीम तो वो होती है रेगुलर, यानी सेकेंड जो थिंग आपको बतानी है वो उसके अंदर बताना है क्रीम। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने ऑर्डर दिया जैसे मीडियम रेगुलर कॉफ़ी, सो रेगुलर मीन्स आई वॉन्ट वन शुगर एंड वन क्रीम इन माई कॉफ़ी। डबल डबल मीन्स टू क्रीम टू शुगर, वैसे ट्रिपल ट्रिपल एंड 4x4, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि शुगर की जगह पे आपको स्वीटनर चाहिए तो आप बोल सकते हो, वो मॉडिफाई कर देंगे, आपको बोलना है डबल डबल विथ स्वीटनर, तो वो स्वीटनर डालेंगे शुगर की जगह पे। सो ये स्लैंग होता है कि सबसे पहला जो है वो शुगर, दूसरा है वो क्रीम, और क्रीम की जगह पे यहाँ पे मिल्क भी होता है। सो अगर आपको क्रीम के अलावा मिल्क में चाहिए तो आप बोल सकते हो डबल डबल विथ मिल्क, सो क्रीम की जगह पे आपको मिल्क में डाल के दे देंगे। सो ये होती है रेगुलर कॉफ़ी, और कॉफ़ी में भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स है, बट ये जो रेगुलर कॉफ़ी है वो है। दूसरी डिकैफ होती है जिसमें कैफीन नहीं होता, और एक तीसरी डार्क रोस्ट होती है, बट उतना डिटेल में जाएंगे, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ। सो ये ऐसे इस तरीके से कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। उसके अलावा फ्रेंच वनीला होती है यहाँ की जो सबसे फेमस, जो इंडियंस जितने ज़्यादातर लोग पीते हैं वो होती है फ्रेंच वनीला, बिकॉज वो बहुत ही स्वीट होती है और उसमें कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती है। सो वो फ्रेंच वनीला है। उसके अलावा स्वीट के अंदर हॉट चॉकलेट है, वाइट हॉट चॉकलेट है, वो टोटल मतलब कह सकते हैं स्वीट में है जितनी, ये जो तीन चीज़ें बताई मैंने वो। सो ये मेन ड्रिंक्स है। उसके अलावा लाटे है, आइस लाटे है, और अगर कोल्ड ड्रिंक की पर्टिकुलर बात करें तो आइस कॉफ़ी है। उसमें आइस कॉफ़ी में स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज साइज़ है। रेगुलर आइस कॉफ़ी है, उसके अलावा वनीला, फिर चॉकलेट, कैरेमल, वो सारी भी आइस कॉफ़ी है। उसके अलावा एक बहुत अच्छी सी फेमस आइटम होती है, आइस कॉफ़ी के जैसी होता है, मतलब कोल्ड में है बट उसको कहते हैं आइस कैप। सो आइस कैप एक फ्रोज़न आइस कॉफ़ी टाइप होता है, मैं आपको फ़ोटो दिखा दूंगा यहाँ पे। सो उसमें भी रेगुलर आइस कैप होती है, उसमें साइज़ है स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। और अगर आप उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स चाहते हैं तो उसमें भी आप मॉडिफाई करा सकते हैं, जैसे रेगुलर आइस कैप की जगह पे आप कैरेमल वाली या वनीला वाली, चॉकलेट वाली आइस कैप, चॉकलेट आइस कैप, मोका आइस कैप, उसको मोका आइस कैप भी बोलते हैं। सो ये सारी चीज़ें आप मॉडिफाई करा सकते हैं। अब सेकेंड थिंग आती है ब्रेकफास्ट आइटम। तो ब्रेकफास्ट में यहाँ पे दो टाइप है, ब्रेकफास्ट सैंडविचेस एंड ब्रेकफास्ट रैप्स। ब्रेकफास्ट सैंडविचेस बेसिकली जनरली कोई भी सैंडविच होता है तो उसमें एग एंड चीज़ होता है, एग एंड चीज़ ऑन इंग्लिश मफिन और एग एंड चीज़ ऑन बिस्किट। सो बिस्किट एक इस तरीके का होता है, इंग्लिश मफिन इस तरीके का होता है, और उसमें आप मॉडिफाई करा सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उसमें सॉसेज और बेकन भी होता है, सॉसेज ऑन इंग्लिश मफिन और सॉसेज एग एंड चीज़ ऑन बिस्किट, ये भी है। सो उसमें बेसिकली अगर एग एंड चीज़ ऑन आपने बिस्किट मंगाया, एग एंड चीज़ ऑन बिस्किट, सो उसमें एग होगा, एक चीज़ होगा और उसके अलावा बिस्किट होगा। वो आई गेस मेरे को लगता है $4-5 के समथिंग में कुछ आता है, बट काफ़ी अच्छा होता है। और उसके अलावा रैप्स में अगर जाओगे तो रैप्स में फार्मर्स रैप बहुत ही फेमस होता है ब्रेकफास्ट में। सो फार्मर्स रैप में क्या होता है कि जनरली एग एंड चीज़, जैसे एग एंड चीज़ फार्मर्स रैप है, सो वहाँ पर उसके अंदर होगा एक चीज़, एक हैश ब्राउन होगा, हैश ब्राउन एक बेसिकली एक पोटैटो से बना हुआ एक ऑयली मतलब फ्राई करा हुआ एक आइटम होता है, क्रिस्पी सा वो होता है, उसके अंदर चिपोटले सॉस होता है और एग होता है, ये तीन चार चीज़ें होती है वो रैप के अंदर, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। और सेम जैसे ब्रेकफास्ट सैंडविच थी वैसे ही होता है, उसमें भी आप सॉसेज वाला और बेकन वाला भी करा सकते हो उसके अंदर, वो भी दो ऑप्शन अवेलेबल है।
सो ये ब्रेकफास्ट की जो मेन मेन आइटम थी वो थी। उसके अलावा ब्रेकफास्ट बेगल्स बहुत खाते हैं यहाँ पे लोग, ब्रेकफास्ट के अंदर मैंने देखा है दो दो तीन तीन बेगल। कई बार फिक्स कस्टमर होता है कि सुबह जब जॉब पे जाते हैं तब यहाँ से ही कॉफ़ी और यही बेगल लेके जाते हैं। सो मैं आपको बेगल भी दिखाऊंगा बाद में क्या क्या चीज़ है। बेगल और स्वीट्स जो है वो मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा शोकेस में से कौन कौन से अवेलेबल है। उसके अलावा लंच की बात करते हैं, सो लंच के वेजिटेरियन के मैं कहूँगा ऑप्शन बहुत ही कम है। एक कैप्रीसी करके एक सैंडविच है, उसमें लेटेस्ट टोमेटो एंड चीज़ होता है और एक सॉस होता है, सो वो एक पन के अंदर होता है, वो होता है कैप्रीसी, वो वेजिटेरियन में। उसके अलावा नॉनवेज के अंदर बहुत सारे चिकन, अगर आप चिकन खाते हो तो चिकन के तो ढेर सारे रैप्स होते हैं यहाँ पे, क्रिस्पी चिकन रैप, स्पाइसी बफलो चिकन रैप, चिकन बेकन रैंच रैप, बहुत सारे हैं। और दूसरे सैंडविच में रोस्ट बीफ फ्रेबल और रोस्ट बीफ क्रिस्पी चिकन, ये दोनों सैंडविच भी बहुत फेमस है अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो। तो ये मेन मेन लंच के आइटम थे। उसके अलावा सूप में भी चिली, ब्रोकली और चिकन नूडल होता है, ब्रोकली वाला जो वेज है, बाकी दो नॉनवेज है, एज आप नाम को पता चल गया होगा आपको। और ये लंच का था, और क्या रहेगा। उसके अलावा ड्रिंक्स के अंदर मैं बताना भूल गया, एक स्टीप टी करके भी बहुत फेमस है, थोड़ी चाय जैसी ही होती है अपनी, तो वो स्टीप टी भी अगर आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, आप ऑर्डर कर सकते हो मीडियम डबल डबल स्टीप टी, सो आपको स्टीप टी देंगे। और उसके अलावा बैग टी भी यहाँ पे बहुत फेमस होती है, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइम होता है, बहुत अलग अलग है वेराइटी, बट मैं कॉमन बेसिक बताऊँगा, चाय टी, ऑरेंज पिकर एंड ग्रीन टी और पेपरमेंट, ये तीन चार जो है वो बहुत ही फेमस है। उसमें भी सेम तरीके से ऑर्डर करना है कि मीडियम पेपरमेंट टी डबल डबल ऐसे ही, तो आपको वही तरीके से बना के दे देंगे। सो ये था उसमें। और अब मैं आपको लास्ट में लेके चलता हूँ डिस्प्ले के ऊपर, थोड़ी बहुत आइटम कम है अभी डिस्प्ले में, बट मैं ट्राई करूँगा आपको एक्सप्लेन करने की। तो सारे डोनट्स, सारे बेगल्स और टिम्बिट्स उसके अंदर है, और मफिन भी उसके अंदर है, तो चलो मैं आपको लेके चल रहा हूँ। और उसके अलावा ये मेन्यू है अगर याद रखना हो तो, ओरिजिनल कॉफ़ी, डार्क रोस्ट, हॉट चॉकलेट, फ्रेंच वनीला, कितनी कैलोरीज है वो भी लिखा हुआ है। और ये लंच का मेन्यू है, फ्रेबल रोस्ट बीफ, क्रिस्पी चिकन, चिकन रैप, सूप, बेगल्स। सो ये रहे सारे डोनट्स, जितने भी ये शोकेस में आइटम है वो सारी स्वीट है, और कैलोरीज भी लिखे हुए यहाँ पे, सारी तो नहीं बताऊँगा, आप देख सकते हो सबके नाम, बट मैं फेमस फेमस जो मैं कभी कभार खाता हूँ वो बताता हूँ। एक ये बॉस्टन क्रीम होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है, उसके अंदर क्रीम वाली फीलिंग होती है। स्ट्रॉबेरी स्वल भी अच्छा है, अगर स्ट्रॉबेरी आपको पसंद है तो। उसके अलावा ये हनी क्रूलर है, वो भी काफ़ी अच्छा है। और ये लास्ट में ये काफ़ी अच्छी आइटम होती है, इसे कहते हैं टिम्बिट्स। सो ये बेसिकली एक छोटे छोटे लड्डू टाइप के होते हैं स्वीट में, ये 10 पैक में, 20 पैक में और 50 पैक में जनरली मिलता है, और आई गेस मेरे को लगता है 10 पैक $2.50 या $3 समथिंग में ही आता है, सो उतने में मिल जाएगा। उसके अलावा एक ब्रेकफास्ट के अंदर फ्रेंच वनीला के साथ ही क्रोसॉन मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, चीज़ क्रोसॉन। इसके अलावा प्लेन भी होता है, बट ऊपर अभी नहीं है यहाँ पे स्टॉक में, ये चॉकलेट क्रोसॉन है। और ये साइड में सारे मफिन्स हैं, सो चॉकलेट चिप, ब्लूबेरी, रेजन ब्रांड, फ्रूट एक्सप्लोजन, मेरे को चॉकलेट चिप वाला अच्छा लगता है। उसके अलावा चॉकलेट चंक कुकी एंड पीनट बटर कुकी। और ये रहे सारे बेगल्स, सो बेगल्स में जनरली मैं दो तीन ही खाता हूँ, ये एक जो है एवरीथिंग बेगल, दूसरा मैं खाता हूँ हेलोपिनो बेगल जो यहाँ पे है, वो ये थोड़ा स्पाइसी होता है, तो अगर आपको स्पाइसी चीज़ें पसंद है तो आप ये खा सकते हैं। उसके अलावा 4 चीज़ है, 12 ग्रेन है, सेसमी है। सो अगर आपको बेगल ऑर्डर करना है, ये बेसिकली एक ब्रेड ही होता है, सो आप बोल सकते हो एवरीथिंग बेगल टोस्टेड विद बटर, या एवरीथिंग बेगल टोस्टेड विद हर बंगाली क्रीम चीज़, और या आपको अगर रेगुलर क्रीम चीज़ चाहिए तो वो। सो अभी मैं ब्रेक पे हूँ यहाँ पे, और आप लोगों को मैं बेगल दिखाता हूँ, जो मैं बोल रहा था जो हेलोपिनो बेगल जो काफ़ी फेमस है, तो ये होता है बेसिकली, और इसके अंदर मैंने डाला है हर बंगाली क्रीम चीज़, और उसके साथ में फ्रेंच वनीला भी। ये दोनों थोड़ा ब्रेक में बैठ के आराम से खाऊंगा, फिर वापस काम पे जाऊंगा। और एक चीज़ ये थी कि यहाँ पे जो अच्छा टीम मेंबर जो काम करते हैं, उसके अलावा भी एक रिसीविंग का जो ट्रक आता है, जो इन लोगों का सामान, उनका भी एक काम होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, दो लोग यहाँ पे कर रहे हैं पीछे। सो दिस गाय, दिस नेम इज, व्हाट्स योर नेम बड़ी? अदनान। सो अदनान एंड हिज निसान, दे आर डूइंग द ट्रक। सो बेसिकली ये जो पूरा ट्रक भर के जो सामान आता है उसको ये जो सेल्फ से वहाँ पे एडजस्ट करना रहता है, वो सारी चीज़ें हैं।
सो यही था आज की वीडियो के अंदर, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे को इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी यहाँ पे है prem77777, सो उसके ऊपर भी फॉलो करें। सो फिर कभी मिलते हैं ऐसे किसी व्लॉग के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।